देश दुनिया के अग्रणी और प्रतिष्ठित कार निर्माता हुंडई कंपनी के डीलरशिप कॉस्मो हुंडई में SUV एक्सटर की धमाकेदार लॉन्चिंग की गई है। इसी उपलक्ष्य में डीलरशिप में एक भव्य लॉन्चिंग समारोह का आयोजन किया गया, जो कि MD प्रवीण आहूजा की हिदायतों पर संपन्न हुआ। इस समारोह में डायरेक्टर पंकज आहूजा, CEO नरेंद्र कौशल और स्टाफ सहित बड़ी संख्या में सम्मानजनक ग्राहक तथा गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान ग्राहकों की उपस्थिति में केक काटकर गाड़ी की लॉन्चिंग का जश्न मनाया गया। इस मौके पर CEO नरेंद्र कौशल ने बताया कि कंपनी की ये SUV ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपने सेगमेंट की दूसरी कंपनी की कारों को खासी टक्कर देने वाली है। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जितेंद्र की रिपोर्ट। मैं सारे कस्टमर्स नूं थैंक्स करना चाहता। अज इत्थे कॉस्मोडाई च एक्सटर दी लॉन्चिंग रही सी, ते मैं जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई सी कि इधर कस्टमर्स दा बहुत ज़्यादा मतलब रश रहा। ते साड़ी कंपनी जिहड़ी 20 साल तो मतलब गई है, ते 25 साल साड़ी कंपनी नूं हो गए। ते मैं सारे कस्टमर्स नूं थैंक यू करना चाहता हाथ नाल जोड़ के पूरे। ते मैनू बहुत बहुत खुशी होंदी है कि साढ़े नाल कस्टमर्स इदा ही जुड़े रहे, ते आपां होर भी चीज़ां कस्टमर्स नहीं लांदे रहांगे। थैंक यू। हुंडई शुरू तो ही अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कस्टमर वास्ते लैके आ रही है। जदों तो 1998 तो इन्होंने इंडिया च लॉन्च किया, एक एक करके हर प्रोडक्ट ये नंबर 1 होंदे चले जा रहे हैं। अज असी एक्सटर लॉन्च की है, इनू असी यंगेस्ट SUV कहने हैं। ये आन दे नाल साडी SUV दा लाइनअप कंप्लीट हो गया। साडा ये बहुत ही मच अवेटेड प्रोडक्ट है। जदों तो ही लोगों नूं पता चलिया सी कि एक नवी SUV आ रही है, लोग बड़ी बेसब्री नाल इंतजार कर रहे सी। कंपनी ने बहुत ही अच्छी 6 लाख की प्राइसिंग जे प्रोडक्ट शुरू किया, जिहड़ा कि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी च आ गया। हुण हर व्यक्ति SUV का मज़ा लै सकदा घट बजट दे विच वी, और क्वालिटी और फीचर्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। जे आपां फीचर्स की गल करिए, 26 सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है, जिहड़े कि बेस मॉडल तो ही शुरू हो जाते हैं। 6 एयरबैग्स जो कि SUV का नॉर्मली फीचर होंदा है, प्लस ABS EBD भी तुहानू बेस मॉडल तो ही मिल जाता है। 6 सॉलिड कलर, 3 डुअल टोन कलर्स दे नाल 9 कलर्स अवेलेबल है। ऑटोमैटिक, मैनुअल, डुअल टोन, पेट्रोल ते CNG सब मिला के लगभग 17 मॉडल्स अवेलेबल ने। पूरी रेंज है, हर तरह के कस्टमर, हर तरह की लोड, हर तरह के बजट में कैटर करेगी। और क्रेटा की तरह ही ये एक गेम चेंजर बनेगी, और हुण लोगों किसी और ब्रांड के जाके क्वालिटी नाल कॉम्प्रोमाइज़ करन की लोड़ नहीं हैगी। तो लोग अपने रिक्वायर्ड बजट के मुताबिक हुंडई की ही SUV बहुत अच्छे फीचर्स दे नाल लै पाएंगे। पुलिस लाइन जलंधर के मेन गेट पर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से सरबत का भला की अरदास करते हुए विशाल लंगर एवं ठंडे मीठे जल के छबील लगाई गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों की ओर से निष्काम सेवा की गई। इस मौके पर DCP सिटी जगमोहन सिंह, ADCP सुखविंदर सिंह, ACP मनबीर सिंह बाजवा, रिजर्व इंस्पेक्टर अनिल कुमार, लाइन अधिकारी भूषण कुमार भी मौजूद रहे। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये जड़ा है अज साडे वालों जड़ा साडे समुची पुलिस लाइन के मुलाजम तो साडे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट वालों एक इत्थे लंगर लाया जा रहा है। ये अज सरबत दे भले लई अरदास की सी, उसके उपरंत जड़ा है मुलाजमान ने जी अपनी 10-9 की किरत दे विचों जड़ा ये लंगर लाया जा रहा। तो जिस तरह तुसीं देखिया है कि साडे समुचे क्योंकि पंजाब दे विच बरसातां करके काफ़ी जगह फ्लड वगैरह आए, उस लई सरबत दे भले लई ये अरदास की। इस तों अलावा मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ये तो चलो रूटीन दे विच लाया, अदरवाइज़ भी जे चाहे कोविड सीगा जां कदे भी कोई कुदरती आफत वगैरह आउंदी हैगी आ, तो साढ़े मुलाजम हैगे वध चढ़ के हिस्सा पाउंदे आ। चाहे हुण फ्लड का सीजन आ, साढ़े सीनियर ऑफिसर है वो खुद जिहड़े हैगे आ उस जगह पर पहुँचे हुए आ जिथे भी कितें लोगों को समस्या आ रही और उन्हां दी समस्या दूर कर रही। और असी जिहड़ा तुहानूं जिस तरह मैं पहलां दस्सिया कि कोविड के टाइम भी जिहड़े साढ़े अलग अलग पूरे पंजाब दे विच अलग अलग थाणियां दे विच पुलिस लाइन दे विच भी इसे तरह लंगर पकाए जाते, और जिहड़े लोड़वंद सी उन्हां नूं छकाए जाते।
संगरूर के अधीन आते मूनक में बाढ़ की वजह से अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिसके चलते बाढ़ में फंसे लोगों को राशन सामग्री देने के लिए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और विधायक वरिंदर कुमार गोयल पहुंचे। इस दौरान वे नाव के माध्यम से नया गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों की स्थितियों का जायजा लिया और उन्हें राशन सामग्री प्रदान की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो, राहत बिल्कुल बैसा में बड़ी तेजी सरकार कर रही है। सरदार भगवंत सिंह मान जी दी मान योग मुख्यमंत्री साहब दी सख्त हदायत प्रशासन नू, सारे मंत्री साहबान MLA साहबान नू, सारे लोगों ने उन्हें कि सारे जिते भी राहत कार्य हो सकता वो तो वो राहत कार्यों में जी लोगों की सहायता की जाए। असं जाके आए, काफ़ी सारे घर जिहड़े पिंड तो भी टुटे हुए थे या कनैक्शन के नहीं उन्होंने को जाके आए कि उन्होंने बच्चों जो बच्चों या परिवार को जिहड़ियां चीज़ों की जरूरत दी है सो सारे लोग सैटिस्फाइड है। और पानी का लैवल जोड़ा गा वो लगातार घट रहा है। समुचा प्रशासन SDM साहबान पुलिस जी मिलटरी के जवान NDRF के जवान सारे जो तैनात ने गे, सो मैं समझना राहत कार्य जोड़े ने बड़े अच्छे तरीके हो रहे हैं, क्योंकि कुदरत की करोपी आ, एक कुदरत की करोपी है, किसी के बस नहीं है। सो ये सानू सारे मिल के कट्ठे जोड़ा है कलैक्टिव यतन करने चाहिए ने, उस कलैक्टिव यतन कर रहे हैं। और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पूरी जी पल पल की इनफॉर्मेशन पूरे पंजाब की उन्होंने रखी हुई है। नहीं बिल्कुल, चार चार किश्तियाँ जोन बना के बंडिया हो जाने गियां। और मैं देख रहा सी असी दो किश्तियाँ जा रही सी, दो आ रही सी। और जिहड़ा कनैक्ट जिहड़े पिंडां दे नाल कनैक्शन नहीं लोग जा डेरिया ते रह रहे ने कि उन्होंने मैं खुद जाके पता करके आया कि उन्होंने दोनों ने कहा कि असी पूरे सैटिस्फाई हाँ, साढ़े को राशन भी है गा और साड़ी इलैक्ट्रिक जी कनैक्शन वो भी जुड़िया है और मोबाइल दे नाल भी जुड़े हुए हैं कि उत्थे मैंने एक सरदार जी मिले जिन्होंने कहा कि मैं बीमार सीगा और प्रशासन ने मैनू रात जी मेडिसन भी पहुँचाई हैगी। साढ़े SDM साहब नवरीत सेखों जी खड़े नेगे, उन्होंने सारी इस राहत कार्य की निगरानी की। सो मैं समझना बड़े अच्छे तरीके राहत कार्य चल रहे। देखो, जिस दिन की यह कुदरती आफत पंजाब के उपर और पूरे नॉर्दन रीजन के उपर टुटी है, उस दिन तो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने हदायतें ने कि सारे इलैक्टेड लीडर्स MLA मंत्री सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिविल पुलिस और पुलिस की सारे दे सारी आर्मी के जवान NDRF SDRF के जवान और खास तौर पर सब तो वड्डी गल आम लोग पब्लिक अगे आ के जिस तरीके राहत कार्यों के लगी हुई है, मैं समझदा कि नो डाउट कुदरती आफत चाहे बहुत वड्डी है। इन्ना पानी बुजुर्ग दस रहे थे कि इन्ना पानी तो 88 या 93 के भी नहीं देखा है जिन्ना इस बारी घग्गर के इलाके आया है। सो मैं समझदा कि एक कंसर्टेड एफर्ट के नाल एक सारे के सांझे उपराले दे नाल आप इस बिपता नूं भी ओवरकम है जिहड़ा वह कर लांगे। और आने वाले समय के मान साहब की अगवाई देहोजे इस बार भी जो देखा जाए तैयारी की सरकार जिन्ना कर सकती है, सरकार वालों कोई कमी नहीं सी। अज तक बजुर्गों भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दसिया कि 748 फुट के उपर लैवल के उपर घग्गर टुट जाता हों, इस बारी 752 फुट पर जाके टुटे। दैट मीनस जे तैयारी सी, जे साफ सफाई किया हुआ पहला ता ही होया, पर पानी इन्ना उपर दी हो गया कि जिन्हों सामना मुश्किल हो गया। बरनाला के गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज संघेड़ा के एक प्रोफेसर पर पर्चा दर्ज करने का मामला सामने आया है। इस मौके पर अध्यापक संगठनों समेत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की गई। अध्यापक नेताओं ने संघेड़ा कॉलेज प्रबंधन कमेटी पर 7 प्रोफेसरों को जबरन नौकरी से निकालने और प्रोफेसर तारा सिंह के खिलाफ झूठा पर्चा दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। संगठन नेताओं ने इस मामले की जांच को लेकर SSP बरनाला को मांग पत्र देकर न्याय की मांग की है। इस मौके पर बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने कहा कि बरनाला जिले के गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज संघेड़ा की प्रबंधक कमेटी द्वारा अध्यापकों को धक्केशाही की जा रही है, जिसके खिलाफ पंजाब एवं चंडीगढ़ टीचर्स यूनियन न्याय की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले को लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वे अपने संगठनों को साथ लेकर इस मामले को पूरे शिक्षक वर्ग व संघर्षशील संगठनों तक ले जाएंगे और इस मामले को रद्द करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रोफेसर हरबंस सिंह है, मैं संघेड़े काल दे विच ही रिटायर होया 18 दे विच। हुण जिहड़ा मसला इह है कि उस कॉलेज के प्रधान साहब ने जिहड़े वो बड़ी धक्केशाही दे नाल जिहड़े उत्ते प्रोफेसर बेअंत दा कम कर रहे हैं मोस्ट इंटलैक्चुअल ने, उन्हां नूं परेशान कर रहे हैं, किसी कढ रहे हैं, किसी नूं सस्पेंड कर रहे हैं, किसी ते केस झूठे दर्ज करा रहे हैं। सिर्फ उन्हूं यही है भी
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ, ਨਾ ਨਿਮਕੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ SSB ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਝੂਠੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ FIR ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਸ FIR ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे के 19वें दिन भी लंगर जारी रहा। इसके बाद यात्रा में जाने वाले शिव भक्तों ने पिछले कई दिनों से चल रहे अनेक प्रकार के लंगर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। 19वें दिन के भंडारे की शुरुआत SI सतनाम सिंह व दिल्ली से जतिन, हैप्पी, राजू, अखिल, पंकज, मीनू, शिवराज के कर कमलों से हुई। लंगर के आयोजकों राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, नरेश शर्मा काली ने बताया कि भंडारे में आने वाले शिव भक्तों को रोजाना सुबह, दोपहर और रात्रि को अनेक प्रकार के व्यंजन प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि शिव भक्तों के विश्राम तथा रहने के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर राजेंद्र शर्मा, भगवान दास, अजय मल्होत्रा, नरेश शर्मा, अश्विनी शर्मा, धूप वाले अशोक शर्मा, विजय महाजन, रमेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम माँ त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पाठी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक प्रताप पारस एंड पाठी ने माँ भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, दीपाली बागड़िया, अरुण वर्मा, रमेश रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ਸ਼ੇਰਾ
जलंधर की कमल विहार कॉलोनी बस्ती पीरदाद लेदर कॉम्प्लेक्स रोड के शिव दुर्गा खाटू श्याम मंदिर में स्थापित खाटू श्याम बाबा शिव परिवार माँ वैष्णो देवी श्री राधा कृष्ण श्री बालाजी शनिदेव महाराज व भैरव बाबा के पांचवें सालाना मूर्ति स्थापना दिवस पर भजन संकीर्तन का आयोजन पंडित गौतम भार्गव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सजाकारों ने बाबा का लौकिक दरबार सजाया। इस मौके पर करवाई गई खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या में श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा के प्रधान एवं विधायक रमन अरोड़ा, गायक दीपक सरगम व मनी भैया के मनमोहक भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। इस अवसर पर मंदिर में विशेष तौर पर बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने पहुंचे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा का स्वागत पंडित गौतम भार्गव ने करते हुए मां की चुनरी से सम्मानित किया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कहा कि सच्चे मन से खाटू श्याम को याद करके हमेशा जीत ही हासिल होती है, जिसके पश्चात श्याम बाबा को भोग लगाकर मंगल आरती की गई, जिसके बाद भंडारा लगाया गया। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। पूजनीय श्री शीतल विज जी, श्री जिला प्रबंधक कमेटी के प्रधान, हमारे बीच प्रधानी, हार्दिक अभिनंदन है इनका। श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, सोनिया रांझणा तेरी मेरी बिगड़े ना, रांझणा तेरी मेरी बिगड़े ना।
सुदेश चंद्र झांजी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रसम क्रिया गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेस 1 जलंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुदेश चंद्र झांजी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुदेश चंद्र झांजी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। एक आके वो चले गए हैं, वो भिखारी उठे बैठा सी, उन्हें की किता जेडे बदामा दे छिल्लड़ ने दान कीते सन, उन्हें वो बदामा दे छिल्लड़ चके जो सुराख दे विच पा दित्ते जिथों उन्हें साह लैना सी, कहिंदा लै हुण साह लै वेखां किवें लैना, मर विच ही मर विच ही। इह कह के वो बदामा दे छिल्लड़ सुराख दे विच पा के चला गया है। बदामा के छिलड़ आपस में जुड़ते नहीं ने, जरा सह आना बंद हो जाता, मिचू कितों ना कितों सुराख बनया रहा, उन्होंने सह आता है। रात का वेला होया है, उस कब्रस्तान के विच एक नाग रहिंदा सी, नाग नाग रात को बाहर निकले शिकार वास्ते, जब कब्र के कोल पहुंचे है तो उन्होंने सह लैन की आवाज आवे उस सुराख के विच। नाग ने सोचा कि जरूर इस सुराख के विच कोई शिकार है, कोई डंडू है, कोई चूहा है जिहड़ा इहदे विच है, मैं इहदे विच वड़ जावां ते उहनूं खा लवां। नाग ने फुंकारे मारने शुरू कीते, फुंकारे माता माता दे विच वड़न लगे, जदों विच वड़न लगे मूंह ते छिल्लड़ चुभण ते पिछा आ जावे। विच लेटे आया ओ कंजूस, जदों उन्हें नाग के फुंकारियां की आवाज सुनी उहदे सांह सुक गए। क्यों? कहिंदा जे नाग विच आ गया ते इहने तां मैनूं डंग लैणा, ते जे मैनूं डंग लिया ते मैं तां आपणे आप नूं बचा भी नहीं सकदा। प्रभु चरणां दे दिल जुड़ बैठी प्रभु प्यारी साध संगत जी, बड़े दुख का समां है। क्या साडे विचों एक बहुत ही काबिल शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिस तो कि असी बहुत सेध लै सकते हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हाँ, स्वर्गीय सुदेश चंद्र झांजी जी इस संसार को छोड़ा दे के प्रभु चरणों के विच लीन हो गए हैं। बाणी के विच लिखा है
कि जिहा चिरी विख्या तेही हुकम कमाए कले आवे नानका ते सते उठी जा। हर इंसान साध संगत जी उस दुनिया के आता है उसका इस दुनिया को कूच करना भी निश्चित ही है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने अपनी इलाही बाणी के लिखा है कि जिसकी वस्त है सोही दे जावे, कि जिसका ये शरीर दिता हुआ है जब उसका बुलावा आना है वो उसनों सब कुछ हरिया भरिया संसार छड़ के इस दुनिया विचों कूच करना पैदा है। कि बुले शाह के सब मुसाफर किसी ने इतने रहना आपको अपनी वाट मुखा के सब मना है। लेकिन साध संगत जी इंसान वो है कि जिसके जाने तो बाद भी लोग उन्होंने याद कर उन्होंने नीहां ते तुरन की कोशिश कर। ऐसी ही एक शख्सियत साढ़े वड्डे भरा श्री सुदेश चंद्र चाची जी साहब बैठे पंडित जी महाराज सामने बैठिया मेरिया मावं भैन भाई अज सारे असी अपने वड़े वीर वड़े भाई श्री सुदेश झांजी जी के अंतिम शोक सभा के इकट्ठे हुए हैं। हर इंसान जो इस दुनिया के जन्म लगा उस इंसान में कालरूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को लै जाती है। लेकिन जोड़ा प्राणी जोड़ा इंसान इस समाज के चंगे काम करता उस इंसान के जान के नाल जिते परिवार को बड़ी वीड्डी घाट पैंती है उत्थे समाज में भी बड़ी वीड्डी घाट पैंती है। देव झांजी जी ने अपनी जिंदगी दे विच जिदा झांजी साहब दस रहे थे पढ़ाई लिखाई की और बड़ी मेहनत की और मेहनत भी अज के युग के इंसानियत के तौर पर उन्हें ईमानदारी देना उन्होंने हमेशा ही ईमानदारी अगे रख के अपनी जिंदगी अगे वधाया अपने परिवार अगे वधाया अपने परिवार को अगे वधाया और पिछे जो बीमार हो जिस तरीके दे नाल उन्होंने परिवार ने उन्होंने बेटे ने रिशु ने मोहित ने उन्होंने पत्नी ने उन्होंने भाई ने भाभी ने सेवा की अज के युग के बहुत घट यहोजे परिवार है जोड़े अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अज वृद्ध आश्रम के बड़े बड़े वृद्ध आश्रम बने उसे बजुर्ग अपने बच्चे पोसते हैं। लेकिन अज के युग के जोड़े बेटे बेटिया नूहां अपने माँ बाप की सेवा करते इस वीडी जिंदगी कोई होर सेवा नहीं। इस परिवार ने वाकई पिता जी की कोई कमी नहीं छी कोई हॉस्पिटल नहीं छड़ा लेकिन परमात्मा को कुछ होर मंजूर थी इन्होंने वालों सेवा की कोई कमी नहीं। तो मैं उस वालों पिता परमात्मा यही अरदास करता कि उस पिछड़ी आत्मा अपने चरणों के जगह दे और पिछे परिवार को भाणा मतन का बल दे। रिशु जी बैठे हैं मोहित जी बैठे हैं पहला भी अपने माता पिता की चाचा की सारे की सेवा करते और हूँ इन्हों के उपर होर बड़ी वीड्डी जिम्मेवारी पै गई है। माता जी की अगे ना वो वह सेवा करती है कि कदे वो यहाँ सोचन कि मेरे सिर तो मेरे पति का साया चला जाएगा। इस तरीके आप सेवा कर रही है कि वह हमेशा ही थोड़े उपर अपना सुख भरया हाथ रख। खेल उद्योग संघ पंजाब के सह कन्वीनर और क्लिक्स स्पोर्ट्स के मालिक रमेश आनंद की धर्मपत्नी अनीता आनंद का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार हरनामदासपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इससे पहले महाराजा गार्डन स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम शव यात्रा निकाली गई। इस मौके पर राजनीतिक धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अनीता आनंद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
जलंधर फगवाड़ा हाईवे पर टायर फटने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर छेड़ू पुल से नीचे गिरा, चालक की हुई मौत, कंडक्टर घायल। अमृतसर पुलिस ने नौजवान से हुई लूट के मामले में दो आरोपियों को किया काबू, तेजधार हथियार, लूट के तीन मोबाइल और मोटरसाइकिल किया बरामद। बरनाला प्रशासन ने आइल्स मार्केट में स्थित इमिग्रेशन सेंटर्स पर की छापेमारी, 11 सेंटर्स को किया सील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।